नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर, अंजलि कोचिंग सेंटर फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के हिंदी 100 मार्क्स के तुलसीदास द्वारा रचित पद पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के दिगंत भाग 2 हिंदी के तीसरा चैप्टर पद जो तुलसीदास रचित है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे, पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन पर। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, ये था राम बोला। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? फ्रेंड्स, ये है सीता जी की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ये होगा फ्रेंड्स राम मार्ग। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स रामचरित्र मानस। अगला है, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? ये फ्रेंड्स पत्नी की फटकार से। अगला क्वेश्चन, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया? तो ये आंसर होगा फ्रेंड्स भिखारी के रूप में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तुलसीदास किस काल के कवि थे? इसका आंसर होगा भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सी तुलसीदास रचित नहीं है? इसका आंसर होगा पंचवटी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? आंसर होगा काशी में। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? आंसर होगा नर हरिदास। तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? आंसर होगा समन्वयवादी। अगला क्वेश्चन कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? आंसर होगा कवितावली। अगला क्वेश्चन कि रामचरित्र मानस का प्रधान रस क्या है? आंसर होगा भक्ति रस। अगला क्वेश्चन, रामचरित्रमानस एक महाकाव्य है। अगला है कि रामचरित्रमानस की भाषा है? आंसर होगा अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन विनय पत्रिका की भाषा है? आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कवितावली के रचनाकार हैं? आंसर होगा तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं।
अगला आंसर होगा फ्रेंड्स, मानस की रचना समय क्या है। फ्रेंड्स मानस के जगह रामचरितमानस भी हो सकता है, मानस के जगह रामचरितमानस भी हो सकता है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि मानस की रचना का समय क्या है या रामचरितमानस की रचना का समय क्या है, तो संवत 1631, संवत 1631, संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है। फ्रेंड्स तुलसीदास जी ने जो दो पद दिए हैं इसमें, उसके दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया है। फ्रेंड्स ये आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने खुद का परिचय भिखारी के रूप में दिया था, इसलिए इसका आंसर होगा तुलसीदास, इसका आंसर होगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना होगा कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजपुर जगह है, राजपुर स्थान के, उत्तर प्रदेश के राजपुर स्थान में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। फ्रेंड्स याद रखना कि दीक्षा गुरु जो है वह नरहरिदास है, जबकि शिक्षा गुरु शेष सनातन जी हैं। कौन है? शेष सनातन जी हैं। अगला क्वेश्चन, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए। आंसर होगा इसका 15 वर्ष, इसका आंसर होगा 15 वर्ष, कि काशी में 15 वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्याधन किए, काशी में 15 वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्याध्ययन किए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तो फ्रेंड्स आंसर होगा राधा स्तुति, आंसर होगा राधा स्तुति। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज के इस तुलसीदास रचित पद पाठ जो है उनके जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया गया है अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इसे याद करें, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाएं और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वे भी इंटर के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।